रचना निर्मेय 11 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बहिर्गत एक सम षटभुज की रचना कीजिए। बच्चों, अभी आपने देखा है कि एक वृत्त के अंदर सम बहुभुज की रचना कैसे की जाती है। यदि वृत्त के बाहर सम बहुभुज की रचना करनी होगी तो हमारे तरीके क्या होंगे, किन किन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे, ये अभी आने वाली रचना में आप देखेंगे। हमें दिया हुआ है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है जिसके बाहर हमें सम षटभुज की रचना करनी है। 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त यदि हम खींचेंगे तो बहुत छोटी आकृति बनेगी। आपको देखने में आसानी हो इसलिए हम इस माप को दुगना कर देते हैं। हम यहाँ पर यह काम 7 सेंटीमीटर के वृत्त के अंदर करते हैं और प्रकार को हम इतना फैलाएं कि वो 7 सेंटीमीटर का फैलाव ले ले, 7 सेंटीमीटर का चाप ले ले। ये 7 सेंटीमीटर का फैलाव हमने लिया और इसकी मदद से हम एक वृत्त की रचना करने जा रहे हैं। ये एक वृत्त बना जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ये हमने केंद्र का नाम दे दिया O और ये हमारे सामने वृत्त बना। अब हम केंद्र से परिधि के किसी बिंदु को मिलाएं और उससे नाम दे दें। मान लीजिए हम इसे A कहते हैं तो OA त्रिज्या का एक वृत्त हमारे सामने है। अब हमें इसमें सम षटभुज की रचना करनी है जो त्रिभुज के बाहर बाहर है। सम पंचभुज की रचना करते समय आपने देखा था कि वृत्त के केंद्र पर बनने वाले कोण को 5 से भाग दिया ताकि हमको 5 बराबर हिस्से मिल जाए 360 के। अब की बार हमें सम षटभुज की रचना करनी है तो 360 में हमें 6 का भाग देना होगा और आपको मिलेगा 60 अंश। इसका मतलब उस सम षटभुज की प्रत्येक भुजा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाएगी। तो सबसे पहले हम पहला कोण बनाएं O पर जिसकी माप 60 अंश की है। चांदे को हम इस तरह रखते हैं केंद्र पर और आप देखिए अंदर के पैमाने पे 10 20 30 40 50 और ये 60, यह एक निशान लगाइए और इसे मिला लीजिए। इस तरह से आप यहां पर एक 60 अंश के कोण की रचना करने जा रहे हैं। ये हमने इसे मिलाया केंद्र पर, इस तरह जो कोण बना उसकी माप है 60 अंश। इस कोण के द्वारा वृत्त पर जो चाप बना, आप देखेंगे चाप जो है वो त्रिज्या की लंबाई के बराबर ही होता है। ये खास स्थिति है कि किसी वृत्त की त्रिज्या जितनी होती है उस त्रिज्या के बराबर वो पूरे वृत्त पर जो चाप काटता है वो 60 अंश का होता है। अब ये जो चाप हमने 60 अंश का बनाया, उस चाप को लेकर के हम बराबर बराबर हिस्से काटें तो हर चाप केंद्र पर 60 अंश का ही कोण बनाएगा। इसे हम लें और बहुत सावधानी से निशान लगाते चले जाएं। ये हमने एक चाप काटा, ये दूसरा चाप काटा, एक चाप और हमने यहां काटा और एक चाप और काटा। इस तरह से हमने देखा कि पूरा वृत्त 60 अंश के 6 हिस्सों में बंटता है। ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां हिस्सा। अब इन सभी बिंदुओं को केंद्र से मिला लें आप देखेंगे कि जो चाप आपने काटे हैं वो आमने सामने मिलाने पर ठीक मिलते हैं। यदि हमने शुद्धता के साथ ये माप ली है तो ये चीजें होती हैं।
इसे भी हमने मिलाया और इसी तरह से इसे भी हम मिलाते हैं। ये वृत्त है जिसे हमने 6 बराबर हिस्सों में बांट लिया और प्रत्येक हिस्सा जो है वो केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रहा है। अब हमें इसके बाहर समषड्भुज की रचना करनी है। तो बाहर समषड्भुज की रचना करनी है, इसका मतलब है कि समषड्भुज की प्रत्येक भुजा वृत्त को स्पर्श कर रही है और उन बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है जहाँ पर ये रेखाएँ वृत्त को मिल रही हैं। इन्हें हम नाम दे दें, ये बी है, ये सी, ये डी, ये ई और एफ। अब हमें ऐसे रेखाखंड खींचने हैं जो क्रमशः ए बी सी डी ई और एफ से गुजरते हैं और इन पर लंब भी है। ओ ए, ओ बी, ओ सी, इन सब पर लंब बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि हम सेट स्क्वायर की मदद से कैसे लंब रेखा खींच सकते हैं। ये कंपास बॉक्स में ऐसा उपकरण आपके पास होगा, ऐसे दो सेट होते हैं, इन्हें हम सेट स्क्वायर कहते हैं। इनकी दोनों भुजाएं आपस में लंबवत होती हैं। इनकी मदद से हम इनमें से प्रत्येक रेखाखंड की लंबवत एक रेखा खींचेंगे। ये देखिए, हमने एक रेखा के अनुदिश से जमाया है और यहाँ हम स्केल रखते हैं और इतना स्पेस रखें, इतना गैप रखें कि जब हम इस स्केल के साथ लाइन खींचें तो एक वृत्त की स्पर्श रेखा ही बने। देखिए, करके देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा स्पेस छूटा हुआ है, स्केच पेन की मोटाई के लगभग बराबर होगा ये। हम यहाँ पर रेखाखंड खींच दिए और ठीक है, ऐसे ही सभी जगहों पर हम करेंगे। ये हमने सेट स्क्वायर को यहाँ जमाया। स्केल यहाँ रखा, थोड़ी जगह बना ले हम ताकि स्केल और पेन की मोटाई के बीच सही तादाद पे बन जाए। ये दूसरा रेखाखंड हमने खींचा, इसी तरह से यहाँ भी हम बनाए। ज्यामिति रचनाओं में एक खास बात है कि आपको ये करते समय बहुत मज़ा आता है और कई बार ऐसा लगता है कि हमसे थोड़ी बहुत गलतियाँ होंगी, वो एक विशेष बात नहीं होती, थोड़ी थोड़ी कोशिश करने पर गलतियाँ कम से कम होती चली जाती हैं, लेकिन आप एक नई तरह की चीज़ बनाते हैं। इस तरह देखिए, हमने तीन भुजाएँ खींच ली, तीन और खींच लेते हैं। जब आप खुद कंपास बॉक्स के साथ इनको करेंगे तब आपको रचना करने में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आपको बहुत मज़ा भी आएगा। ये हमने इस तरह से चौथी रेखा भी खींची जो पहले वाली रेखा को काट रही है। अब दो रेखाएं हम और खींच लें। ये अपनी पांच रेखाएं खींच ली, ये सभी के सभी स्पर्श रेखाएं हैं वृत्त की जो त्रिज्या पर लंब है। ये प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ी होगी कहीं पर कि वृत्त की त्रिज्या पर उसकी स्पर्श रेखा समकोण बनाती है। ये देखिए, आप इन बाहरी रेखाओं को देखिए, ये गुजर रही है यहाँ से। आप चाहें तो इनको नाम दे दें, इन्हें हम नाम दें पी क्यू आर एस
टी और यू। तो ये छः रेखाखंड जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जिनके नाम क्रमशः पी क्यू, क्यू आर, आर एस, एस टी, टी यू और यू पी हैं, ये एक सम षटभुज है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, और ये सम षटभुज इस वृत्त के बाहर है और उसको स्पर्श कर रहा है। तो ये एक रचना हुई जिसमें आपने सम षटभुज की रचना की। इसी तरह से आप किसी और भी सम बहुभुज की रचना कर सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी भुजाएं हैं उतने से आप 360 का भाग करें, जो परिणाम आ रहा है वो केंद्र पर कोण बनाएं, और जो चाप आपको मिल रहा है, जो लंबाई आपको इस वृत्तखंड की मिल रही है, उसको प्रकार से नापें, उसके बराबर बराबर हिस्से कर लें, और फिर हर हिस्से पर आप एक लंबवत रेखा खींचें, और इस तरह आपकी बहुभुज की रचना हो जाती है। तो चलिए एक कोशिश आप भी करके देखिए।